हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2022। तो ये जून 2022 तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं और जितने भी सम्मान में जो अवार्ड मिले हैं, वो सारे के सारे हम बिल्कुल ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए भाई, पहला अगर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो इसमें मेंशन है कि किसी भारतीय साहित्यकार को, मतलब किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भाई देखिए, अब हमें इसको याद करना है, इसका आंसर तो है रामदर्श मिश्रा। इसका जो आंसर है वो है रामदर्श मिश्रा। अब याद कैसे करेंगे, देखो हमें पता है जो राम भगवान जो थे वो क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों थे, क्योंकि वो बहुत ही समझदार थे। तो उसके अंदर, राम भगवान के अंदर जो थी वो सरस्वती माँ का निवास था। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो सरस्वती सम्मान भी किसको मिलेगा, रामदर्श मिश्रा को। तो सरस्वती माँ किसके अंदर समाई हुई थी, राम भगवान के अंदर, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम हर फैसला सोच समझ के लेते थे। तो यहां से हमारा आंसर आएगा रामदर्श मिश्रा। आगे देखिए भाई, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने, मतलब बिजनेसमैन ने, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर बात करने बिजनेस पुरस्कार की, तो इसका जो आंसर है वो है रश्मि साहू। तो याद कैसे करोगे, देखो भाई, रश्मि साहू। अब देखिए भाई, पुरस्कार का जो नाम है वो क्या है, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार। तो भाई, जो बिजनेस करने वाले जो होते हैं ना, वो लोग होते हैं शाही। और आजकल जो रस्म जो बन गई है ना, आजकल की जो रस्म बन गई है वो भी यही बन गई है कि जो अमीर लोगों को पुरस्कार प्रोवाइड करते हैं और जो गरीब लोगों को प्रोवाइड नहीं करते। तो ये याद कैसे करोगे, टाइम्स बिजनेस पुरस्कार जो है, तो भाई आजकल एक रस्म बन गई है कि शाही लोगों को, क्या, शाही लोगों को पुरस्कार देने की रस्म बन गई है, शाही लोगों को पुरस्कार देने की। और ये तो पुरस्कार का नाम ही बिजनेस पुरस्कार है, तो ये तो मिलना ही सीधी सीधी बात है, साहू को मिलेगा, रश्मि साहू। अगला देखिए भाई, अगला बोला है पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। तो भाई याद कैसे करोगे, तो मैंने ये करंट अफेयर में भी हमारे क्वेश्चन आया था जून वाली में, इसमें क्या था, देखो हमने पढ़ा था डैरेन सैमी। इसको याद कैसे करेंगे भाई, डैरेन सैमी, डैरेन में छुपा हुआ डेरिंग, डैरेन के नाम में छुपा हुआ डेरिंग। और हमने क्या पढ़ा था, जो डेरिंग होते हैं वो दो जगह के लोग होते हैं, मतलब जिनके नाम में इंडिया आता है ना, इंडिया, जिनके नाम में, जिस देश के नाम में इंडिया आता है, वहां के लोग क्या होते हैं, डेरिंग होते हैं। तो एक तो हमारा इंडिया है, एक तो हमारे भारत के देश हैं, डेरिंग है, और एक इंडीज, तो इसमें भी इंडिया छुपा हुआ है, तो वेस्ट इंडीज के लोग भी क्या होते हैं, डेरिंग होते हैं। तो यहां से हमें समझ में आएगा डैरेन सैमी कहां से है, वेस्ट इंडीज से है, इंडिया से हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसे नाम इंडिया में नहीं होते। तो ये इंडिया के नहीं है, तो लेकिन कहां के हैं, डेरिंग है, तो ये वेस्ट इंडीज के मिलेंगे। एक बात आपको याद हो गई, अब सुनिए मेरी बात, यहां पर डेरिंग की बात कर दी, तो डेरिंग में अब भाई बात क्या हुई, सितारा ए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को एक अवार्ड देना था जिसका नाम है सितारा ए पाकिस्तान, तो वो क्या है, वो इंडिया वालों को देगा नहीं, डेरिंग तो होते हैं इंडिया के लोग या फिर वेस्ट इंडीज के लोग, वो इंडिया वालों को देगा नहीं, तो किसको देगा, वो वेस्ट इंडीज के इंसान को देगा ना, तो वेस्ट इंडीज के डैरेन सैमी को उन्होंने सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड दिया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, आगे बोला है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए भाई, यहाँ पर नाम छुपा हुआ है पुरस्कार का, शांताराम, तो अवार्ड का नाम है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो भाई शांताराम, तो राम भगवान शांत कब होंगे, देखो भाई इसमें छुपा हुआ राम शांत कब होंगे, जब राम भगवान शांत तब होंगे जब वो रावण से जीत जाएंगे। ठीक है भाई, वो रावण से जीत जाएंगे, लेकिन वो मतलब समुद्र के किनारे फंस गए थे, तो उनके लिए हमें नाव की जरूरत पड़ी, क्योंकि श्रीलंका में अगर पहुंचना है तो समुद्र को पार करने के लिए नाव की जरूरत भी पड़ी। तो राम भगवान शांत कब हुए थे, जब वो रावण से जीत गए थे। तो संजीत नार्वेकर, तो यहाँ पर नाव भी छुपा हुआ है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, समुद्र को नाव से पार किया था, ऐसे याद कर लेना भाई। ठीक है, आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है द बुक ऑफ होम एंड इम्पिटिनेस, तो ये बुक का नाम है, इस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जो है वो किसे जीता है, किसने जीता है। इसको याद कैसे करेंगे, इसका आंसर है रूथ ओलेकी, रूथ ओलेकी। तो देखो, महिला फिक्शन की बात करें तो महिला जो है ना, वो अपने हमेशा अपने पुरुष से क्या है, रूठ जाती है। एक बात तो हमारे दिमाग में आई, महिला जो है रूठ जाती है, और यहां पर छुपा हुआ फिक्शन,
पुरस्कार का नाम जो है वो महिला फिक्शन पुरस्कार है। तो हमने देखा होगा साइंस फिक्शन, हमने मूवी देखी है ना साइंस फिक्शन वाली, तो यहाँ पर साइंस फिक्शन की जो मूवी देखी है तो साइंस में ये ओले जो होते हैं ना भाई, ओले जो ओले जो होते हैं जो आसमान से गिरते हैं वो बारिश का रूप में मतलब पानी के रूप में बदलते हैं, तो यहाँ पर भी साइंस काम करती है। तो फिक्शन से हमारे दिमाग में आएगा साइंस फिक्शन की जो मूवी होती है उनमें जो ओले जो गिरवाते हैं वो क्या करवाते हैं, वो मतलब कि फिक्शन साइंस फिक्शन की मतलब की तरस पे गिरवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका दिमाग में आएगा महिला है रूठ जाती है और फिक्शन मतलब साइंस फिक्शन में हमारे ओले गिरवाए जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा रूठ ओले की। आगे देखिए भाई, अगला जो है क्वेश्चन उसमें बोला है फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए भाई, इसका आंसर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हमद में क्या छुपा हुआ है देखिए भाई, हमद, अब इसको हम ऐसे पढ़ते हम और उल्टा पढ़ते दम, हम में दम है, क्या है भाई, हम में दम है, इसीलिए तो हमने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। और अगर नहीं मिलता ना तो सबको कतर के रख देते भाई, हमें दम है तो नहीं, अगर नहीं मिलता हमें प्राइज तो सारी दुनिया को हम कतर के रख देते, मतलब काट के रख देते, तो ये कतर में है भाई। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, तो भाई हमें दम था तो इसलिए हमने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीत लिया। तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनका नाम है और ये कहाँ पर स्थित है, कतर में। अगर हमें दम नहीं होता ना और हमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नहीं मिलता तो हम दुनिया को कतर के रख देते। आगे देखिए भाई, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भाई देखिए, एक आदमी था, इसका आंसर है नीलमणि। तो एक आदमी था, उसने हमें मणि दी, क्या दी, एक मणि दी, वो नीले रंग की एक मणि थी, क्या थी, नीले रंग की मणि थी, लेकिन हमने देखा हुआ है शक्तिमान में कि भाई जो मणि जो होती है ना वो तो नीले रंग की नहीं होती है, वो तो या तो व्हाइट कलर की होती है या फिर ब्लैक कलर की होती है, अगर हमने शक्तिमान देखा जिसने उसको पता होगा, तो याद करने के लिए ट्रिक है बस। तो भाई क्या हुआ, नीले मणि होनी चाहिए, तो इस बात का ज्ञान हमें था कि नीली मणि नहीं होती है भाई। ठीक है भाई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो नीलमणि को मिला, तो हमें लेकिन पता था कि मणि जो है वो नीली नहीं होती, या तो फिर व्हाइट होती है या फिर ब्लैक होती है, तो इस बात का हमें ज्ञान था, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, नीलमणि नहीं होती, इस बात का हमें ज्ञान है। आगे देखिए भाई, आठवां जो क्वेश्चन है वो बोलता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो भाई देखो, इसको आप कैसे याद करोगे, रामनाथ, तो भाई राम जो नाथ है ना, राम जो भगवान जो हमारे श्री राम है वो भी किसानों के नाथ है भाई, किसके, किसान के नाथ है। ठीक है भाई, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, राम जो है वो किसानों के लिए नाथ है, मतलब भगवान की तरह है, तो किसान से हमारा बनेगा जिसान। इसको थोड़ा सा ट्रिक थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन काम चल जाएगा, रामनाथ, राम जो है वो नाथ है किसानों के, तो किसान से बनेगा जिसान, जिसान ए लतीफ को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए भाई, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है। अब एक बात बताओ, इसका आंसर है खुशी पटेल। अगर आपको, आप किसी लड़की को मिस इंडिया का वर्ल्ड वाइड इनाम मतलब खिताब देते हो तो वो क्या, वो खुशी से फूली नहीं समाएगी, तो भाई वो तो सीधी सी बात है, खुशी से फूली नहीं समाएगी, तो खुशी पटेल। ठीक है भाई, अगला देखिए, किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा 2022 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए भाई, इसको कैसे याद करोगे, तो भाई ये मो बस सेवा जो है ना वो कहाँ चलती है, सबसे पहली बात तो ये उड़ीसा में, कैसे भाई, देखो यहाँ पर जो है ना मो बस, ये भाई चलती चलती नहीं, उड़ती भी है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, मो बस जो है ना वो थोड़ी स्पेशल टाइप की बस है, वो है बस तो क्या होती है, सिंपल चलती है, लेकिन यहाँ पर मो बस है तो वो उड़ने का काम करती है, ये उड़ीसा में है भाई। ठीक है, ये उड़ीसा की बस है, इनको क्या हुआ है, ये उड़ने की वजह से इनको प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आगे देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो देखिए भाई, इसका जो आंसर है वो है विजय अमृतराज। तो हुआ क्या, एक टेनिस का मैच था, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, टेनिस का मैच था और जो ये लाइन जो होती है इनकी, जो इस साइड एक प्लेयर होता है, एक साइड इस साइड प्लेयर होता है, तो क्या हुआ, इस साइड इस लाइन पर क्या अमृत के ड्राम रख दिए कि भाई जो विजय होगा, जो क्या होगा, विजय होगा उसको ये अमृत मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा विजय अमृतराज, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला देखिए भाई,
किस राज्य के सूक्ष्म, मध्य और लघु विभाग को राष्ट्रीय एसएमएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई देखिए, ये एक ऐसा राज्य है जिसका आंसर है उड़ीसा। इसके जो सूक्ष्म उद्योग, मध्य उद्योग और लघु विभाग, मतलब जितने सारे उद्योग हैं, वो क्या है, वो सिर्फ चल नहीं रहे, मतलब कि चल ही नहीं रहे, वो इतनी तेज चल रहे हैं कि उसको हम उड़ना भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, तरह उड़ने की तरह काम कर रहे हैं, मतलब उड़ने की तरह प्रगति कर रहे हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा, इसीलिए इनको पहला पुरस्कार दिया गया। ठीक है भाई, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? तो भाई देखिए, गोल्डन शंख, अब एक बात बताओ, आपको मैं एक शंख देता हूं, ठीक है, तो नॉर्मल शंख अगर मैं आपको दूंगा तो आप क्या करोगे, मंदिर के पास में जाके बजाओगे, मंदिर में जाओगे और बजाओगे। लेकिन मैं आपको एक गोल्डन कलर का शंख दूं, भाई ये गोल्ड का शंख दे दूं मैं आपको, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, अपनी बॉडी को, इसका आंसर है ये, अपनी बॉडी को सूरज की तरफ मूव करोगे, ठीक है, और उसके बाद में उस शंख को बजाओगे, क्योंकि गोल्डन शंख जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित शंख है, तो गोल्डन सन के लिए आप अपनी बॉडी को टर्न करोगे सन की तरफ और फिर बजाओगे। तो इसको याद ऐसे कर सकते हो। आगे देखिए भाई, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेते का पुरस्कार किसे मिला है? तो भाई सर्वश्रेष्ठ एक्टर की अगर हम बात करें, जिसके अंदर कौशल होगा, तो विक्की कौशल, जिसके अंदर कौशल होगा उसी को यह पुरस्कार मिलेगा, तो विक्की कौशल इसका आंसर है। अगला देखिए भाई, यहां पर कुछ इंपोर्टेंट आपके यहां पर पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है वो कृति सैनन को मिला है, फिल्म थी मिमिक, ये आपको याद कर लेने हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वो विष्णु वर्धन को मिला है, शेरशाह मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का जो है अनुराग बसु को मिला है, लूडो के लिए। बेस्ट महिला स्पोर्टिंग एक्टर जो है साई तमनकर को मिला है। बेस्ट पुरुष स्पोर्टिंग एक्टर मिला है पंकज त्रिपाठी, लूडो के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित जो है वो जिन्होंने की है कबीर खान को मिला है, संजय पूर्ण सिंह को मिला है चौहान फिल्म के लिए। ठीक है भाई, बेस्ट प्लेबैक महिला सिंगर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आशीष कौर को, और बेस्ट प्लेबैक पुरुष सिंगर का जो अवार्ड मिला है जुबिन नोटियाल और आता लंबिया गाने के लिए। ठीक है भाई, तो इसको आप याद करना है, इनको कोई ट्रिक नहीं है। आगे देखिए भाई, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो हमने पढ़ा था विश्व के शिखर पर, शिखर में ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और इसमें शिखर पर क्या होते हैं, मेघ होते हैं, मतलब बादल होते हैं, हमने ये करंट अफेयर में पढ़ा है, अगर नहीं देखी तो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मेघ होते हैं हमारे ऊपर, तो मेघ मतलब मेघालय, तो विश्व का जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें क्या होंगे, मेघ होंगे, तो अवार्ड भी जहां पर मेघालय को ही अवार्ड मिलेगा। आगे देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो बोला है, भारतीय मूल के किस छात्रा ने अमेरिका के प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो देखिए भाई, अब यहाँ पर एक प्रतिष्ठित स्पेलिंग जो कंपटीशन था, तो उसमें क्या था कि बिना गलती किए स्पेलिंग लिखनी थी, और वो भी बहुत ही फास्ट। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा भाई ये भारत की है, ये क्या है, भारत की है, अमेरिका में टूर्नामेंट हो रहा है लेकिन ये भारत की है, और भारत के लोगों ने क्या कहा, ये हिरण की तरह, जैसे हिरण दौड़ता है ना, हिरण अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता है, वैसे ही ये भी इतनी फास्ट फास्ट स्पेलिंग लिखेगी कि मतलब पक्का ही जीत जाएगी। तो लोगों ने क्या कहा, भाई ये भारत की है, हिरण की तरह लिखेगी, मतलब हिरण की तरह दौड़ेगी, मतलब अपनी स्पेलिंग में कोई भी गलती नहीं करेगी, तो हरिणी लोगन, हिरण की तरह लोगों ने क्या कहा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन जो बोला है, प्रीत्ज़कर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो इसमें प्रीत्ज़कर में कर छुपा हुआ है, तो इसका आंसर है डायबेडो फ्रांसीसी केरी, तो इसमें भी कर छुपा हुआ है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, आगे बोला है ओ हेनरी पुरस्कार जो अवार्ड है वो किसने जीता है? तो भाई ओ हेनरी, तो इसका जो अवार्ड मिला है ना भाई, ये मिला है अमर मित्रा को, किसको मिला भाई, अमर मित्रा को। ठीक है भाई, तो ये जो है ओ हेनरी पुरस्कार जो है वो अमर मित्रा को मिला है। आगे देखिए भाई, इसी कोई ट्रिक नहीं है भाई। अगला देखिए भाई, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए यहां पर बात कर रहे हैं हम प्रेस की,
तो प्रेस क्या होती है भाई, देखो जितने भी मीडिया वगैरह वाले होते हैं वो उनकी जो अर्निंग होती है वो कैसे होती है। अगर मान लो एक न्यूज़ चल रही है, ये हमारी न्यूज़ चल रही है और ये न्यूज़ चल रही है तो बीच में क्या करते हैं वो ब्रेक देते हैं, क्या देते हैं ब्रेक, ठीक है भाई, ब्रेक ब्रेक देंगे तभी तो उनकी कमाई होगी। तो भाई यहाँ पर जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड का नाम भी है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। तो प्रेस की कमाई होती है ब्रेक देने से, तो यहाँ पर ब्रेक नाम होना चाहिए उसके आंसर में। तो ये मिला है एम्बर ब्रेकन को, तो ब्रेक देते हैं तभी तो उनको पैसे मिलता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय फोटोग्राफ्स को सम्मानित किया गया है। तो भाई देखो इसको कैसे याद करोगे, तो इसमें देखो चार नाम है, सभी हैं इसका आंसर, ये चारों को मिला है, तो इसको याद कैसे करोगे ऐसे देखना भाई। ये यहां पर रखना पुलित्जर पुरस्कार, तो यहां पर एक पुल था भाई, थोड़ा ऐसे याद रखना, एक पुल था लेकिन वो टूटने की कगार पे था और उस पर काफी लोग थे भाई, ठीक है। तो भाई एक मेरा नाम अमित है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, अमित भाई ने बताई थी ट्रिक, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो भाई एक पुल था, तो पुल में क्या था भाई, एक पुल पे मतलब लोग खड़े हुए थे, जो बाकी फंसे हुए थे उनको निकालना था और वो टूटने की कगार पे था। तो मैंने क्या किया, मतलब अमित ने क्या किया, देव भगवान मतलब भगवान की पूजा की, ठीक है, मंदिर गया मैं, अमित ने क्या किया देव की पूजा की, और पूजा करने के बाद, अगर पूजा को हम इरशाद भी बोलते हैं ना, इरशाद मतलब अमित ने क्या किया इरशाद की भगवान की, इरशाद मतलब पूजा की, ठीक है भाई। तो इरशाद किया ना, तो जब बाहर आके देखा मतलब इतनी आबादी खड़ी हो गई थी बाहर, मतलब उस मंदिर के बाहर इतनी आबादी खड़ी हो गई थी कि सबके सब दान के लिए, भाई हमें भी दान कर दो, हमें भी दान कर दो, क्योंकि मतलब दान के लिए मांगते ना मंदिर के बाहर, दान के लिए खड़े होते हैं लोग, तो यहाँ पर दान के लिए भी इतने लोग आ चुके थे कि मेरे पास में उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई पुली पे कुछ लोग खड़े हुए थे लेकिन वो मरने की स्थिति में थे, पुली टूटने वाली थी, तो अमित ने क्या किया, अमित गया भगवान के मंदिर में और वहां पर इरशाद की, इरशाद करके जैसे ही वो बाहर आया तो इतनी आबादी बाहर थी कि वो दान के लिए खड़े हुए थे कि भाई हमें दान दीजिए, और अमित के पास में उस टाइम पर दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। आप ऐसे याद कर सकते हैं, तो ये आपके सारे के सारे जो पॉइंट है यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर आपके चारों जो मतलब नाम है ये आपको याद हो जाएंगे ट्रिक से। आगे देखिए भाई, आगे बोला है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जब देश हमारा भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे उसके बाद में हमने भारतीयों ने उर्दू का ख्याल रखना ही छोड़ दिया, क्या रखना, ख्याल रखना ही छोड़ दिया, चंद्रभान ख्याल, लेकिन इस पर ख्याल किया गया 2021 में और उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया। ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई हमने उर्दू भाषा का तो ख्याल ही छोड़ दिया, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है तो उर्दू भाषा का तो हमने ख्याल ही छोड़ दिया, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रामानुजन का आपको पता है बहुत ही फेमस हमारे गणितज्ञ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें युवा के लिए, तो युवा जो होंगे ना गणितज्ञ, युवा के लिए बात करें तो नन्हे नन्हे बच्चे होंगे, क्या होंगे, नन्हे नन्हे बच्चे होंगे, तो नीना मतलब नन्हे 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 बच्चे मतलब नन्हे नन्हे बच्चे मतलब नीना गुप्ता, तो ये अवार्ड मिला है नीना गुप्ता को। आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, युवा गणितज्ञ कौन होंगे, जो नन्हे नन्हे बच्चे होंगे, तो नीना गुप्ता को ये अवार्ड मिला है। आगे देखिए भाई, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो पुरस्कार का नाम देखिए, तो पुरस्कार का नाम है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो बुकर में छुपा हुआ है बुक, तो एक बुक का नाम भी होना चाहिए, तो आपको पता है गीतांजलि एक बुक का नाम है, गीतांजलि एक बुक का नाम है, तो गीतांजलि श्री को ही मिला है, तो बुक का नाम क्या है गीतांजलि। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई जो ये जो उपन्यास मिला है ये किसके लिए मिला है, तो ये जो है ये रेत समाधि के लिए मिला, ये पुरस्कार जो है ये रेत समाधि उपन्यास के लिए मिला है, तो रेत में समाधि जो लेगा ना उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं, यहाँ पर गीतांजलि है लेकिन हम देते हैं श्रद्धांजलि, तो थोड़े नाम जो है वो एक जैसे हो जाएंगे, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार मिला है, रेत की समाधि में मतलब रेत में समाधि ले लेते हैं तो उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार, तो खाद्य से हमारे माइंड में आएगा हम खाना खाने जाते हैं, तो क्या अकेले थोड़े जाते हैं, दो चार दोस्तों का ग्रुप जाता है, मतलब हम खाद्य मतलब अगर हम खाना खाने जाते हैं तो अपने साथियों के साथ में, क्या साथियों, अपने साथियों के साथ में जाते हैं ना, तो यहाँ पे सिंथिया साथिया
मतलब एक नाम दिखेगा साथियों, तो ये नाम एक ऐसा है साथियों के साथ में जाते हैं खाना खाने के लिए। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है वो सिंथिया रोसेन जवी को मिला है। आगे देखिए भाई, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई एबल पुरस्कार, तो देखो भाई आपको पता है ना कि जो आदमी एबल होगा मतलब जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जो किसी काम के लिए एबल होगा, वही है जो दूसरों के लिए अपनी सूली पर भी चढ़ सकता है। जो आदमी रियल में एबल होगा वही आदमी है दूसरों के लिए सूली पर भी चढ़ सकता है। तो सूली वन, तो यहां से आपके दिमाग में आएगा एबल पुरस्कार किसको मिला था? भाई एक ऐसा आदमी जो सच में एबल हो, और एबल वही होगा जो दूसरों के लिए सूली पर चढ़ जाए। तो यहां पर सूली वन आपको दिमाग में रखना है, आपको याद हो जाएगा आराम से। आगे देखिए भाई, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भाई मिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में पहले क्या थी? सन्नी लियोन। भाई याद रखना बस, ट्रिक है बस, सन्नी लियोन क्या थी? फेमस थी भाई, ठीक है, सन्नी लियोन। तो इसको आप कैसे याद करोगे? सन्नी लियोन फेमस थी, तो यहाँ पर साइलिन, सन्नी लियोन साइलिन फोर्ड, मतलब याद करने के लिए ट्रिक है कि मिस वर्ल्ड किसको मिला है? भाई मिस वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में फेमस थी कौन? सन्नी लियोन, तो अब साइलिन को मिला है भाई, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आगे देखिए भाई, पिंक लेडी फूड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? पिंक लेडी फूड, तो यहाँ पर सुपावर लेडी फूड। अब लेडी फूड कब नहीं खाती? जब वो व्रत करती है भाई, जब वो देव मतलब भगवान का व्रत करती है, जब वो देवों का व्रत करती है तो लेडी क्या है? फूड नहीं खाती है। तो पुरस्कार का नाम ही जब लेडी फूड है तो यहाँ पर व्रत छुपा हुआ होगा और देव भी छुपा हुआ होगा। देव के व्रत में क्या है? लेडी जो है वो फूड नहीं खाती है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखो भाई, हम बोलते हैं ना, नाम है ग्रैमी पुरस्कार, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई सुन ले मेरी बात, अगर एक ग्राम का भी लॉस हुआ ना तो तुझे जान से मार दूंगा, एक ग्राम का भी लॉस। भाई ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो एक ग्राम का भी अगर लॉस हुआ ना तो तुझे जान से मार दूंगा। तो लॉस वेगास को, भाई एक ग्राम का भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में बोला है भाई, परिशिष्ट मतलब कि फेमस रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय वास्तुकार को सम्मानित किया गया है? तो भाई देखो, रॉयल गोल्ड इसमें छुपा हुआ, रॉयल गोल्ड, तो रॉयल गोल्ड को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो रियल गोल्ड। तो आपको पता है हमारे फैमिली में जो रियल गोल्ड होता है वो हमारे बालक होते हैं। क्या होते हैं? बालक। तो बालक में छुपा हुआ बाल कृष्ण, जो कृष्ण भगवान भी एक बालक ही थे, ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर इसी में बालक छुपा हुआ बालक। तो बालक ही क्या होते हैं? हमारे रियल गोल्ड होते हैं। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का किसको मिला है? बाल कृष्ण जोशी को, ठीक है भाई। आगे देखिए, भारत के किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? तो भाई देखो, जो मतलब किस सुरंग ने, तो भाई ऐसी सुरंग जो कि अटल हो, जो मतलब अटल हो, जो सुरंग अटल होगी उसी को तो मिलेगा सबसे बेस्ट पुरस्कार। तो यहां पर अटल सुरंग को मिला है भाई। आगे देखिए भाई, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखो, बोल्ट से हमें दिमाग में आएगा वोल्ट, वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज एक बल्ब होता है, तो बल्ब में क्या होती है? वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज। तो और यहाँ पर जो वोल्ट, जो अगर लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं? एक दीपक जलाते हैं भाई। क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं। यहाँ पर दीपक धर, याद कैसे करोगे भाई? बोल्ट्जमान, तो वोल्ट तो मिलता है हमें बल्ब से, लेकिन बल्ब जब लाइट चली जाती है तो हम दीपक जलाते हैं, दीपक, तो ये हमारा दीपक है भाई। तो दीपक धर को यह सम्मान जो है वो मिला है भाई। आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही होगा ना जिसके अंदर कोई कुछ करने की विल होगी, मतलब इच्छा होगी, है ना, तो और वो विल भी क्या है? बिल्कुल स्मूथ हो, स्मूथ विल, मतलब ऐसे बात कर सकते हो आप, स्मूथ को ले लो भाई। अगर स्मूथ होगी अगर किसी इंसान की विल मतलब इच्छा, उसी को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, तो विल स्मिथ। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो भाई देखो, ये तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्यों लगा? क्योंकि भाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, उसका अवार्ड ऐसी फिल्म को मिला है जो कि एक कोड़ी की भी नहीं है, ऐसे आप याद कर सकते हो, एक कोड़ी की भी नहीं थी ये फिल्म, याद करने के लिए बता रहा हूँ, एक कोड़ी की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल गया उस फिल्म को, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो फिल्म का नाम है कोड़ा, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार मिला है। अगला जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर हमने पढ़ लिया, जिसकी विल मतलब इसकी इच्छा होगी बिल्कुल स्मूथ, उसको मिलेगा सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो भाई देखो,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो इन्होंने क्या कहा विल स्मिथ ने कि भाई मैंने जैसी भी हो कैसी हो जैसी भी हो लेकिन थोड़ी उसके अंदर भी विल होनी चाहिए। जेसिका चेस्टेन, भाई जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसी अभिनेत्री होनी चाहिए जिसमें भी विल हो, मतलब ऐसा कुछ याद रख सकते हो इसको आप, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर, तो भाई डॉक्यूमेंट्री पिक्चर मिला है समर ऑफ सोल को, ठीक है भाई ये आपको याद रखना है वैसे ही, इसी कोई ट्रिक नहीं है। अगला देखिए भाई सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, तो आपको दिमाग में ऐसी इमेज बनानी है कि जो जो प्रोड्यूसर जो होता है ना वो हाथ में कॉपी लेकर चलता है, क्या कॉपी हाथ में, उसमें उसमें स्क्रिप्ट होती है ना कॉपी, मतलब कॉपी पेन लेके रहता है ना कॉपी पेन लेके, क्योंकि उसके हाथ में क्या होती है स्क्रिप्ट होती है तो वो कॉपी पेन लेके रहता है। तो कैंपियन याद रखना कॉपी, ऐसा नाम देखना सर्वश्रेष्ठ प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो कॉपी अगर नाम छुपा हुआ ना चाहिए तो कैपी मतलब कॉपी यहाँ पर छुपा हुआ, तो जैन कैंपियन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब अगला है सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो वो मिला एरिना डेबोस को, तो इसको भी याद कर लेना भाई, दो चार हैं ऐसे जो कि ट्रिक से याद नहीं होंगे तो उनको आप वैसे याद कर लेना। आगे देखिए भाई, आगे बोला है कॉमनवेल्थ लाइट्स ऑफ पॉइंट अवार्ड 2022 किसने जीता है, तो ये पॉइंट है भाई, तो कॉमनवेल्थ लाइट्स ऑफ पॉइंट अवार्ड, तो भाई देखो लाइट्स अगर हमें, मैं आपको ये बोलूं थोड़ा ऐसे याद रखना इसको, ऐसे लाइट पढ़ना, लाइट लाइट में अगर हमें बोलो लाइट क्या होती है तो आप बोलोगे लाइट एक ऐसा वर्ड है जो कि थोड़ा कमजोर दिखाता है अपने आपको यार, जैसे लाइट वर्ड हो तो मतलब थोड़े डायरेक्ट नहीं होंगे वो थोड़े हल्के होंगे, है ना। तो किशोर जो बच्चा होता है ना, किशोर मतलब छोटी उम्र का जो बच्चा होता है, किशोर जो अवस्था में होता है वो भी एक लाइट तरीके से होता है, तो लाइट्स ऑफ पॉइंट, लाइट्स ऑफ पॉइंट ऐसे याद कर सकते हो, किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है उसका जो वजन है वो थोड़ा लाइट होता है या फिर उसकी उम्र जो है थोड़ी लाइट होती है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो लाइट्स ऑफ पॉइंट अवार्ड 2022 मिलेगा किशोर को। अगला देखिए भाई, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ, तो भाई जिसको ज्ञान होगा ना वो क्या करेगा मौज करेगा भाई, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलेगा जिसमें ज्ञान होगा, और जिसमें ज्ञान होगा वो क्या करेगा मौज करेगा भाई, तो दामोदर मौज ऐसे याद आप कर सकते हो। आगे देखिए भाई, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए भाई अब क्या है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, तो पहला ये देख लीजिए भाई सत्यमंगलम, तो मंगलम ये होता है ना मंगलम विष्णु वगैरह जो जो मंत्र वगैरह बोलते हैं, ये कब बोलते हैं जब शादी होती है, तो शादी में क्या काम करते हैं मिलने का, एक लड़का और लड़की आपस में मिल जाते हैं भाई, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो मिलना मतलब तमिलनाडु में है भाई, सत्य ये बात बिल्कुल सत्य है कि सत्य मंगलम मतलब मंगल का जो काम होता है वो शादी विवाह में होता है जब लोग आपस में मिल जाते हैं, यहां से ये कहां पर स्थित है तमिलनाडु में है, मिलना छुपा हुआ है। अब इसमें अगर मिलेंगे समझ रहे हो, एक मेल और फीमेल मिलेंगे तो भाई आबादी डबल ही होगी, तो यहाँ पर डबल होगी TX2, तमिलनाडु याद रखना टी और एक्स ऐसे मतलब याद रख लेना भाई, मिलने का काम कर रहे हैं क्रॉस है तो ये इधर मिलेगा और ये इधर मिलेगा, ठीक है, और टू मतलब दोनों मिल गए तो टी तमिलनाडु में मिले दोनों, तो क्या हुआ तमिलनाडु में ये तमिलनाडु राज्य को सम्मानित किया गया है भाई, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, आसाम सरकार द्वारा किसे आसम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आसमान में अगर कोई इंसान जाता है जो हवाई जहाज में कोई जाता है मतलब आसमान में ऐसे याद रखो, तो हम उसे क्या करते हैं टाटा, क्या करते हैं टाटा, जब अगर कोई आदमी आसमान में उड़ने के लिए जाता है तो हम उसे जैसे पैराशूट पे जाएगा तो भी हम मतलब क्या करेंगे टाटा करेंगे, तो आसाम से याद रखना टाटा, हम आसमान में कोई आदमी उड़ेगा तो हम उसे टाटा करते हैं भाई, रतन टाटा को मिला है। आगे देखिए भाई, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है देखो भाई 4+17+ में 107, अभी अगले पेज पे बताऊंगा, तो यहाँ पर कितने हो गए 128, तो 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है भाई। आगे देखिए भाई, 2022 में पद्म पुरस्कार में देखो 4 लोगों को तो मिला है पद्म विभूषण, 17 को मिला है पद्म भूषण और 107 लोगों को मिला है पद्मश्री, तो यहां से देखो 4, 17, 107 ये याद हो जाएगा, 4 और 107 याद हो जाएगा आराम से, 17 और 107 बीच में जीरो लगाइए बस, 17 याद रखना बस, 17 और 107 याद हो जाएगा, 4 आपको ऐसे याद रख लेना है, ठीक है भाई। अब भाई पद्म विभूषण किस किस को मिला है वो देख लीजिए भाई, देखो भाई इनको याद कैसे करोगे, अब इसको ट्रिक देखो, पद्म विभूषण जो मिला है वो सिर्फ 4 को मिला है, तो इसको याद कर लेते हैं, हमारे जो विपिन रावत जो थे ना, जो विपिन रावत जो थे वो मतलब हेलीकॉप्टर से जा रहे थे कहां पर, राधे श्याम के मंदिर में,
ठीक है भाई, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। विपिन रावत जी थे, वो राधे श्याम के मंदिर में जा रहे थे क्या, प्रभु से मिलने। क्यों? क्योंकि वो भारत का कल्याण चाहते थे, भारत का कल्याण चाहते थे। तो फिर उनका जो हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो गया, उनकी मतलब कि निधन हो गया भाई। ठीक है, तो इनको ऐसे याद रख सकते हो, विपिन रावत जी हैं, वो राधे श्याम के मंदिर में जा रहे थे प्रभु से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भारत का कल्याण चाहते थे। तो इन चारों को मिला भाई पद्म विभूषण, इनको ऐसे याद रख सकते हो आप, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए भाई, HSNC विश्वविद्यालय महाराष्ट्र ने समाज के लिए किए गए अद्वितीय योगदान के लिए मानव डॉक्टरेट लिटरेचर पुरस्कार से सम्मानित किया है। हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, डी लिट ये मिला है भाई रतन टाटा जी को। ठीक है भाई, मैंने पढ़ा था ना, मुकेश अंबानी और रतन टाटा दो ही हैं जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं मुंबई में। तो रतन टाटा जी को क्या मिला है यहाँ पर, मतलब कि डॉक्टरेट की उपाधि मिली है लिटरेचर में। ठीक है भाई, रतन टाटा। आगे देखिए भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के किस संस्थान को तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है। तो भाई देखिए, इसको याद कैसे करोगे, देखो इसका आंसर तो मैंने लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। तो देखो भाई, तंबाकू जो है ना, तंबाकू जो है एक नशे की चीज है, और आपको पता है पंजाब राज्य एक ऐसा है, पंजाब राज्य एक ऐसा है जहां पर नशा जो है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हुआ उसके उल्टा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में एक मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसने क्या किया, नियंत्रण लगाया। तो भाई देखो, नशा सबसे ज्यादा होता है पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि तंबाकू पे नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की, इसलिए इन्हें क्या मिला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनको अवार्ड दिया है भाई। तो किसको अवार्ड दिया, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ को। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। आगे देखिए भाई, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला उत्तर प्रदेश को। याद कैसे करोगे, देखो भाई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, देखो भाई सबसे बड़ा राज्य तो है राजस्थान अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो है उत्तर प्रदेश। और जहां पर लोग ज्यादा होंगे, जहां पर लोग ज्यादा होंगे वहां पर खाना भी हमें ज्यादा चाहिए और पानी भी हमें ज्यादा चाहिए। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है वहां पर इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी जल की वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दे दिया, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी मतलब जल की कोई कमी नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार दे दिया गया। आगे देखिए भाई, 13वां ग्रीन स्ट्रोम फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो ग्रीन स्ट्रोम फोटोग्राफी, अब देखो भाई इसको ऐसे याद रखोगे, मौसमी जो होती है ना, मौसमी, इसका जो आंसर है मोहम्मद रजा मासूमी। जो मौसमी होती है वो कैसी होती है भाई, वो थोड़ी ग्रीन कलर की होती है भाई, थोड़ी ग्रीन ग्रीन कलर की होती है मौसमी। तो यहां से अगर उसकी फोटोग्राफी करोगे ना आप, किसकी, मौसमी की फोटोग्राफी करोगे तो आपको दिमाग में आएगा भाई ग्रीन कलर की है। तो ग्रीन स्ट्रोम फोटोग्राफी करोगे तो ये मौसमी की फोटोग्राफी, मतलब मौसमी जो है ग्रीन कलर की होती है। तो याद रखोगे मोहम्मद रजा मासूमी को यह पुरस्कार मिला है भाई। आगे देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भाई ये किया गया नारायण प्रधान से, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए भाई, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर सुरक्षा अभियान किस देश की टीम ने जीता है। तो इसको भाई देखो, थोड़ा सा ट्रिक देखो, इतनी अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इसका आंसर है एस्टोनिया, तो एस्टोनिया देश ने ये जीता है। तो इसको याद कैसे करोगे भाई, सबसे बड़ा भी था और सबसे जटिल भी था, क्या था, लाइव फायर साइबर रक्षा। तो हमने क्या किया, टून, गाने की टोन चला दी, तभी ये पॉसिबल हो पाया भाई। इतना बड़ा और इतना जटिल था कि ऐसे अगर करते ना, बिना कुछ मतलब म्यूजिक की धुन की अगर करते तो ये बहुत ही मुश्किल था, हम इसमें यहाँ पर रक्षा अभ्यास नहीं कर पाते। तो हमने क्या, टून चला दी, मतलब गानों की टून लगा दी, तो थोड़ा मजा आया और इसको हमने पूरा कर लिया। तो एस्टोनिया, इसमें टून छुपा हुआ, टून टोनिया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर लेना, ज्यादा अच्छी ट्रिक नहीं है भाई, लेकिन काम आपका चल जाएगा। आगे देखिए भाई, भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें परिशिष्ट उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है भाई।
तो देखिए भाई ये क्या है, विवेक लाल को इसका भी कोई ट्रिक नहीं है, लास्ट के चार पांच क्वेश्चनों की ट्रिक कुछ भी नहीं है भाई, इसको आप वैसे याद कर लेना विवेक लाल। आगे देखिए भाई, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 से गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो भाई अब जो है बात करें गवर्नर ऑफ द ईयर, तो ये पुरस्कार जो मिला है ना ये भारत देश के पुरस्कार मतलब भारत देश के जो गवर्नर को नहीं मिला, इस पर लोगों ने क्या किया, भारत देश के जो लोग थे वो थोड़े आक्रामक हो गए और बोले मारो साले को, मतलब मारो साले को, मतलब हमें क्यों पुरस्कार नहीं मिला। तो मारियो मार्सेल गवर्नर ऑफ द ईयर जो है वो भारत के गवर्नर को नहीं मिला, तो लोगों ने क्या कहा मारो साले को। तो मारियो मार्सेल जो है वो चिली से संबंध रखते हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है भाई। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, लास्ट क्वेश्चन जो है पालतू जानवरों की देखभाल पर आधारित किस टीवी श्रृंखला ने एक्सचेंज ऑफ मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021 जीता है? तो याद कैसे करोगे, देखो भाई सुनना मेरी बात, यहाँ पर पालतू जानवरों की बात कर रहे हैं और इसमें आधारित किस टीवी श्रृंखला ने एक्सचेंज ऑफ मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड, तो ये मिला है भाई वेस्ट फ्रेंड फॉर एवर दूरदर्शन को। तो हमारे जो वेस्ट फ्रेंड होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपने पता है कोई कुत्ता पाल के रखता है, कोई बिल्ली पाल के रखता है, तो वो हमारे पालतू जानवर ही हमारे क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं हमेशा के लिए, फॉर एवर, मतलब हर कोई साथ छोड़ देता है लेकिन ये पालतू जानवर जो होते हैं ये हमारा साथ बिल्कुल मरते दम तक नहीं छोड़ते। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर जो है वो पालतू जानवर की देखभाल पर आधारित एक टीवी श्रृंखला है और इसको मतलब क्या है एक्सचेंज ऑफ मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021 दिया गया है। भाई वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। हमने एक सेशन और स्टार्ट कर रखा है करंट अफेयर विद ट्रिक के साथ में, तो हम वहां पर पूरे मंथ की करंट अफेयर विद ट्रिक के साथ पढ़ते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।